नंबर छः, बच्चों से न सिर्फ चीज़ों में अदल करना चाहिए बल्कि बच्चों से सुलूक में भी अदल करना चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इंसाफ और अदल का मामला ट्रीटमेंट में भी होता है, सुलूक में भी होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आपके साथ था, काना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल फजा इब्न लहू फकब्बलहु व अजलसहु अला फखिदिही। उस आदमी का बेटा आया और उसने उस बेटे को करीब किया, उसको प्यार किया, चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبه, फिर बेटी आई, उसने बेटी को प्यार भी नहीं किया और गोद में भी नहीं बिठाया बल्कि बाजू में बिठा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें देखी, आपने कहा फहल्ला अदलता बैनहुमा, फहल्ला अदलता बैनहुमा, तूने दोनों के दरमियान अदल क्यों नहीं किया। मालूम यह हुआ कि अदल सिर्फ नेमत और अता में नहीं बल्कि अदल सुलूक में भी होता है। बच्चों के साथ सुलूक में भी इंसाफ करना चाहिए। एक बच्चे से आप कहें ये मेरा बेटा बड़ा हो कि मेरा नाम रोशन करेगा, और दूसरा खड़ा देख रहा है मैं मुझको प्यार नहीं करते आप, खामोशी से देख रहा है, आपने उसको नहीं किया करीब, चुपचाप चला जाएगा अपने काम में रहेगा, तू तो बड़ा है। नहीं, उसको भी आप करीब कीजिए, ये भी मेरा बच्चा, ये तो मेरा बड़ा बेटा है, उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ मुझको भी कहा कुछ। बच्चों में सुलूक में भी आप अदल करें, बल्कि ये बाज़ औक़ात बेटा बेटी में मसला बढ़ जाता है, ये मेरा बेटा है, मेरा राजा बेटा है, और ये कौन है, ये तो बेटी, ये पराए घर की है, वो सोचती मैं कमतर हूँ, मैं कमतर हूँ। बच्चों को ये सेंस आप ना दें, उनकी ज़िंदगी आप ख़राब करते हो।